कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 लॉन्च हो गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, ये वो शीशा है जो आपके फोन में सामने की तरफ लगा होता है, वो नई क्वालिटी का लॉन्च हो गया है। कैसा होगा वो आने वाले वक्त में आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6, ये वो नया शीशे का नाम है जो नई क्वालिटी का शीशा है जो अब आने वाले फोन्स में लगाया जाएगा, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में ये इस साल के अंत तक आ जाएगा। आपको बता दें ये नई क्वालिटी का शीशा जो है उसे आप कस्टमाइज करा सकते हैं, स्पेशली लगवा सकते हैं। दूसरी बात ये, जो पुराना शीशा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, ये उससे 2x यानी दो गुना ज्यादा बेहतर है और साथ ही मजबूत भी। और आपको बता दें कि ये 15 बार खुदरे सरफेस पे भी गिरने के बाद सर्वाइव कर जाता है। जी हाँ, इसका टेस्ट हुआ था जहां 1 मीटर से इसे 15 बार गिराया गया एकदम गंदे सरफेस पे और ये शीशा नहीं टूटा। और अभी वाले शीशे की तरह ये स्क्रैच रेजिस्टेंट तो रहेगा ही और काफी ज्यादा मजबूत भी होगा। और इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब भी हाथ से फोन गिरता था फोन की सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन जाती थी और खर्चा बहुत होता था, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 अब आपके खर्चे को थोड़ा कम तो करेगा ही। माना जा रहा है कि सबसे पहले ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 जो नई क्वालिटी का शीशा है सैमसंग के गैलेक्सी नोट 9 में दिया जाएगा जो हाल ही में लॉन्च होने वाला है। तो देखेंगे कैसा दिखेगा उसमें ये नया शीशा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने 2 नए शीशे और लॉन्च करे हैं वेयरेबल डिवाइसेस के लिए, यानी जो घड़ियां हैं जो बैंड्स हैं उनके लिए, जहां पे उसका नाम रखा गया है गोरिल्ला DX और DX प्लस। उसमें ये होगा कि घड़ी में जो ये शीशा लगाया जाएगा वो स्क्रैच रेजिस्टेंट तो होगा ही, साथ ही उसमें जो रिफ्लेक्शन आती है वो नहीं आएगी और साथ ही काफी मजबूत भी होगा वो। वहीं साथ ही ज्यादा क्लैरिटी होगी, काफी टफ और काफी मजबूत होगा। अब आने वाले फोन में आपको अपने डिस्प्ले की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 आपके फोन को जब गिरेगा तो टूटने से बचाएगा। और जाहिर सी बात है जब फोन गिरता है तो डिस्प्ले टूटता है, तो अब उसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तो आपके पैसे भी बचेंगे। वीडियो कैसा लगा बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।